बैक टू माई चैनल एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज सूट में क्यों बैठी हुई हूँ, बिकॉज आज मेरा बर्थडे है और मैं अभी भी मंदिर से आई हूँ एंड आते ही मुझे पता लगा कि शमशेरा का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज हमने अभी थोड़े दिन पहले टीज़र पे रिएक्शन दिया था और टीज़र क्या कमाल का था। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच द शमशेरा ट्रेलर। तो बिना टाइम वेस्ट करे पहले ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद हम आगे की वार्तालाप करेंगे। लेट्स प्ले। ये कहानी है उसकी जो कहता था गुलामी किसी की अच्छी नहीं होती और आजादी तुम्हें कोई देता नहीं, आजादी छीननी पड़ती है। मेरे गूज बम्स निकल रहे हैं शमशेरा की। अरे कोई नई बात बता खजूरी, ये बात तो बचपन से सुन के जवान हुआ हूं मैं। चलो अब बताओ तुम सब खमेरन और मैं कौन? सुना है काजा में कोई नया नकाबी लुटेरा आया है। त्योहार शादी ब्याह कुछ नहीं छोड़ा उसने। मेरी तिजोरी कहाँ चली जा रही? पागल हो गया, अकेला गोरी सल्तनत से पंगे लेगा। अकेला कहाँ हूँ, पूरा गिरोह है मेरा। अब बता पक्का मरेगा तू। ये नया शमशेरा कहाँ से लौट आया? हमारा जीना आराम कर रखा है साहब। आप भी हमें उन जंगलियों से मुक्ति दिला सकते हैं साहब। वाह। इंडियन डर्ट ओनली इंडियन हैंड कैन क्लीन। व्हाइट हैंड ब्लैक सर। अब शुद्ध सिंह इनकी सफाई करेगा। शुद्ध सिंह, शुद्ध होने का वक्त आ गया है दरोगा साहेब। तेरी माँ का मुकुट क्वीन क्राउन सर। तुझमें शमशेरा का खून है, निडर बेबाक। वो करम से डकैत, धर्म से आजाद। वाओ। गाइस मेरा तो ओके, आई नीड 5 seconds। 1 2 3 4 5। वाव वाव वाव, क्या ट्रेलर था। मैं हेडफोन्स उतारना भूल गई। ओह माय गॉड, मतलब रणबीर कपूर ने क्या एक्ट किया है इसमें। ओह माय गॉड, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं आ रहा। आई मीन आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो, मैं शॉक्ड हूँ ये देखकर, क्योंकि इतने टाइम के बाद बॉलीवुड में कोई ऐसी मूवी आ रही है। आई थिंक बेशक इसको थोड़ा थोड़ा मुझे साउथ का जैसा KGF टाइप का लग रहा है, लेकिन इतना KGF जैसा नहीं है इसमें जितना मैं सोच रही थी। एंड ओके, तो इसमें जो लीड एक्टर में वो तो रणबीर कपूर हैं। संजय दत्त भी है इसमें, शुद्ध सिंह का किरदार निभा रहे हैं। शुद्ध सिंह एक इंस्पेक्टर है, बिकॉज रणबीर कपूर एक डेकॉइट है जो कि एक डाकू बने हुए हैं, और वानी कपूर है। वानी कपूर शी इज़ द एक्ट्रेस रणबीर कपूर के opposite end. And so as the trailer said that a father's legacy, a son's destiny. तो ये कहीं ना कहीं end में जो एक डायलॉग आया था जिसमें कि तुम अपने फादर की तरह हो, नीडर, और एक होता है ना जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें बता रहे थे, तो ही इज़ लाइक हिज फादर रणबीर कपूर. तो उसमें एंड में आपने देखा होगा दो रणबीर कपूर आए थे, एक थोड़ा बुढ़ा बुढ़ा सा था और एक जवान जवान सा था. तो ये इसमें जो स्टोरी है काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, और जिसके डायरेक्टर वो हैं करण मल्होत्रा. काफ़ी अच्छा डायरेक्शन है, मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड प्रोड्यूसर इज़ आदित्य चोपड़ा, यश राज फिल्म्स. तो ट्रेलर में जैसे हमने देखा, जब स्टार्ट हुआ था शमशेरा से, एंड वो उसमें बोलते हैं लोग कि ये नया शमशेरा कौन आ गया हमारे नाक में दम करने के लिए. तो उसमें जिस तरीके से दिखाया हुआ है, रणबीर कपूर एक डेकॉइट है जो कि कोई शादी या कोई भी फंक्शन हो कहीं कुछ नहीं छोड़ते, वो हर जगह से माल लूट के जाते हैं. उनके लिए ही जो आते हैं संजय दत्त आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए. एंड में रणबीर कपूर और संजय दत्त की फ़ाइट दिखाई है, कैसे वो दोनों फाइट करते हैं. संजय दत्त को थोड़ा सा क्रूअल दिखाया हुआ है कि वो उसमें किसी को ऐसे करके मार रहा था, कोड़े बरसा रहा था, और रणबीर कपूर उसमें अपने ट्राइब के लिए खड़े होते हैं कि नहीं, आपको अगर आज़ादी चाहिए तो उसको आपको छीनना पड़ेगा, वरना आपको आज़ादी कोई नहीं देता. और रणबीर कपूर कंटिन्यूसली फाइट करते हैं अपनी ट्राइब की फ्रीडम के लिए एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ हिज ट्राइब. एंड ये रिलीज़ होने वाली है जुलाई 22 को. एंड मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस मूवी से, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है. एंड इसका ट्रेलर तो कमाल का है, मतलब आप लोगों ने भी देखा कि ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. ओके, एंड ये सिर्फ हिंदी में नहीं है, ये आपकी हिंदी, तमिल, तेलुगू में भी रिलीज़ हो रही है एंड IMAX में भी रिलीज़ हो रही है. गाइस, IMAX में मूवी देखने में बहुत मज़ा आता है, ट्रस्ट में बहुत मज़ा आएगा अगर आप ऐसी मूवीज़ IMAX में देखोगे. क्योंकि मुझे याद है RRR देखी थी IMAX में. ओ माय गॉड, मैं वो मूवी अभी भी जाके देख सकती हूँ, मुझे इतनी पसंद आई थी, इतनी ज़्यादा, मतलब KGF से भी ज़्यादा मुझे RRR पसंद आई थी. तो ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी है. एंड आई रियली होप आप लोगों को ये ट्रेलर शमशेरा का काफ़ी अच्छा लगा हो, और मेरी रिएक्शन वीडियो भी बहुत अच्छी लगी हो. एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना. मेरी वीडियो पे बहुत सारा प्यार और बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे आपकी. एंड मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो बनाती रहूँगी. मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जैसे कोई नया ट्रेलर आ रहा है अप टू डेट रहूँ, ताकि फटाफट से एक रिएक्शन वीडियो आप लोग को मिल जाए. एंड जी हाँ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. एंड टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.